नहीं सर, इसके भी ऊपर। इसके ऊपर अलग पेज। वो थर्ड वाला मतलब। अच्छा, ये वाला है क्या? ये वाला क्वेश्चन यही चाहिए क्या? हाँ सर, हो गया। हो गया ना? ओके, ये समझ आया? ये कंसेप्ट समझा क्या? ये फॉर्मूला समझा? ये याद रखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू सी वन सी टू के बीच में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू। इस तरह से एंगल बिटवीन टू सर्कल फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? नाउ नेक्स्ट लिखो, कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। अच्छा, ऑर्थोगोनलिटी का क्या मतलब है कि जो थीटा एंगल है, ये थीटा क्या बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। एंगल बिटवीन टू सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि यदि थीटा 90 डिग्री बन गया तो बीटा कितना हो जाएगा? थीटा यदि 90 हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एम्प्लाय बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा मतलब सी वन ए सी टू के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी 90 हो जाएगा। अच्छा, यदि ये 90 हो गया तो देखो, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा? वो 90 डिग्री, ये तो हमेशा ही होता है। लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो गैप है, जो कि हमने लिखा था थीटा माइनस 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो टेंजेंट टी वन है वो सी टू से पास करेगा, और जो टेंजेंट टी टू है वो सी वन से पास करेगा। ये सिचुएशन हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अब जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। लेट्स से कि एक सर्कल ये हो गया, ये सर्कल ये ऐसा हो गया एक। सर, यस, आप शर्मा को एडमिट कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट, देखो ये एक सर्कल हो गया और एक दूसरा सर्कल है लेट से, जो कि इसके ऑर्थोगोनल है, कॉल दिस बी अनदर सर्कल। तो सर, यस यस, आपने अभी क्या बोला? ये बस फॉर्मूला ये था, हम लोगों ने ये देखा, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। हाँ सर, ठीक है। दो सर्कल ऑर्थोगोनल हुए तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक टेंजेंट जो है दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ पे जो लेट से ये टेंजेंट है, ये इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा, और ये इस पे जो टेंजेंट है वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ऐसा समझ में आया? तो लेट से ये ए हो गया और ये सी वन हो गया और ये सी टू हो गया, ए सी वन सी टू। तो अब आप देख सकते हो ये 90 डिग्री है, ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। तो अब यदि ऑर्थोगोनल कंडीशन होगा तो अब ये देखो, लेट से ये आर वन है और ये आर टू है। तो इन द केस ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी क्या ये ऐसा हो जाएगा? आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन सी टू का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? और यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी आप चेक कर सकते हो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एम्प्लाय कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 आते ही, 0 तो ये रखते ही ये क्या हो जाएगा? सी वन सी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। तो यहां से भी ये कंडीशन निकल के आती है, बट ज्योमेट्रिकली आपको समझना चाहिए।
कि यदि दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है कि एक का टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ये लेट से ये T1 टेंजेंट है और ये T2, तो T2 सर्कल 1 के सेंटर से पास कर रहा है, T1 सर्कल 2 के सेंटर से पास कर रहा है और ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, अच्छा इसको अब हम लोग इक्वेशन में लेके आते हैं। ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लेट से सर्कल C1 सर्कल है, या इसको S1 बना देते हैं, S1 सर्कल, लेट से X2 प्लस Y2 प्लस 2G1X प्लस 2F1Y प्लस C1 = 0, ये पहला सर्कल हो गया। और दूसरा सर्कल है S2, दैट इज X2 प्लस Y2 प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस C2 = 0, ये दो सर्कल हो गया। तो सेंटर C1 कितना हो गया, C1 इज -G1, -F1 एंड R1 है, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G1² प्लस F1² माइनस C1। इन द सेम वे सेंटर C2 हो जाएगा -G2, -F2 और रेडियस R2 हो जाएगा अंडर रूट G2² प्लस F2² माइनस C2, G2² प्लस F2² माइनस C2, है ना, ये सिचुएशन हो गया। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ये अप्लाई करें, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी क्या हो जाएगा, लिख देते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करना है। सो दिस इज R1² प्लस R2² R1² कितना हो जाएगा G2 G1² प्लस F1² माइनस C1, तो R1² प्लस R2² मतलब G2² प्लस F2² माइनस C2 इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर। ये मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो इन दोनों के बीच में, सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा C1 में से C2 सबट्रैक्ट करेंगे तो G2 - G1, G2 - G1 का होल स्क्वायर प्लस इन द सेम वे F2 - F1 का होल स्क्वायर। देख लो क्या ये बात समझ आए, ये जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमने अप्लाई की है ये वाली, क्या ये समझ आ रही कि ये ऐसे अप्लाई हो। अभी आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो इसको ही देख लेते हैं, G2² प्लस G1² 2G1 G2 प्लस F2² प्लस F1² माइनस 2F1 F2। तो अभी देखो इसमें से कुछ कट होगा, G2² कट हो जाएगा, G1² भी कट हो जाएगा, F2 F1² F2² कट हो गया, तो बचा कितना माइनस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू यहां पे माइनस 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2, नोट डाउन दिस, और ये हो जाएगा G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय 2, और यही कंडीशन है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कि दो सर्कल यदि गिवन है तो, और यदि वो ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी,
इसको लिख लीजिए, ये बिकम फॉर्मूला हो जाए, दिस इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर ऑर्थोगोनलिटी। नोट करो फटाफट, नोट डाउन दिस, राइट डाउन। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, है ना, सीखते हैं कि हम लोगों ने क्या अप्लाई किया। तो इसमें दो चीजें आपको मेन ध्यान रखना है ऑर्थोगोनलिटी के केस में। एक तो ये ज्योमेट्रिकल पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू सर्किल कैसे निकाला जाता है। दूसरा रखना है, यदि दो सर्किल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो सर्किल ऑर्थोगोनल है, तो ज्योमेट्रिकली ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन याद रखनी है। और यदि सर्किल की इक्वेशन गिवन है तो वहां पे कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। जी वन जी टू प्लस एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू बाई टू। और इस पे बेस्ड इस पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ज्यादातर बुक जेई मेन में आते हैं इस कंडीशन पे, है ना, और जेई एडवांस में भी आता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए ये कंडीशन, जी वन जी टू प्लस एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू बाई टू, ये क्वेश्चन है। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। If the circles x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 equal to 0 and x square plus y square plus 2ky plus k equal to 0 intersect orthogonally then find the value of k, then find the value of k। आंसर करो जल्दी से, आंसर सर क्या क्या आंसर मिला बताओ, क्या मिला k का वैल्यू बताओ, क्या क्या आ रही है सर, माइनस थ्री बाय टू और टू, माइनस थ्री बाय टू एंड टू, हाँ बिल्कुल सही है, यही आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी इज क्या लिखोगे, जी वन जी टू प्लस F1 F2 is equal to C1 plus C2 by 2, ये अप्लाई करोगे। अब देखो इसमें ये पहला सर्कल मान लेते हैं और ये दूसरा सर्कल मान लेते हैं, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग G1 कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 1 into G2 हो गया K, sorry G2 हो गया 0, X है नहीं ना, तो G2 0 हो गया, plus F1, F1 is K into F2 is again K is equal to C1. C1 is 6 plus C2 is K by 2. ऐसा हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 2K square is equal to K plus 6. So, इसको लिखते हैं 2K square minus K minus 6 equal to 0 और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहां पे 2k कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज k माइनस 2 प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2k प्लस 3
and this is k minus 2 equal to 0. So this imply k ka value kitna ho jayega? Minus 3 by 2 and 2. Ye answer a jayega. Write down next question likho. Write down another question. If a circle passes through through the point 1, 2 and cut the circle x square plus y square is equal to 4 orthogonally then the equation of then the equation of the locus of the center locus of the center then the equation of locus of the center is answer karan if a circle passes through a point this and cut the circle this orthogonal then the equation of locus of its center is answer it कितना आंसर आ रहा है 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 ये आंसर आ रहा है ना यही बोला ना हाँ बिल्कुल यही है देखो कैसे करेंगे इसको अब यहाँ पे ये देखो कि इसका एक फिगर बना लीजिए आप लेट्स से ये सर्कल है इसका सेंटर और ओरिजिन हो गया सी वन हो गया लेट्स से 0, 0 ओरिजिन हो गया और दूसरा सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये इस पे ऑर्थोगोनल है यूं कहे कि कुछ इस तरह का सिचुएशन है ठीक है तो होगा क्या यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा और ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है तो ये टेंजेंट यहाँ पे पास करेगा और 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे कॉल दिस बी ए और ये सी टू अच्छा ये आर वन है आर वन रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज ये इसका रेडियस है 2 और सेकेंड सर्कल का रेडियस पता नहीं है लेट से ये आर हो गया लेकिन ये पता है कि दूसरा सर्कल एक पॉइंट 1, 2 से पास कर रहा है और दूसरे सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए तो जिसका लोकस चाहिए हम उसको एच कॉमा के एज्यूम कर सकते हैं लेट से सी टू को हम एच कॉमा के एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इसी का लोकस हमें चाहिए तो ज्योमेटिकल कंडीशन क्या थी ऑर्थोगोनैलिटी की फॉर ऑर्थोगोनैलिटी टी क्या होगा कि आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन सी टू का होल स्क्वायर ऐसा सिचुएशन होगा तो आर वन कितना है 2 मतलब 4 2 स्क्वायर 4 प्लस आर स्क्वायर
आर टू, इसको आर टू मतलब आर ले लिया, तो क्या ये जो डिस्टेंस है आर, तो ये भी आर ही होगा, कॉल दिस बी, ये पी पॉइंट है, तो पी सी टू भी तो आर ही होगा क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पे और ये सेंटर है, तो आर टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आर टू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सेंटर्स के बीच वो डिस्टेंस इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो एच माइनस जीरो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फोर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन प्लस के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस फोर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो इसमें से कुछ कट होगा, एच स्क्वायर कट हो जाएगा, के स्क्वायर कट हो जाएगा, सो हाउ मच इट इज, देखो ध्यान से, फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन माइनस टू एच माइनस फोर के इज इक्वल टू जीरो, तो इसको लिख सकते हैं, h को x लिख दीजिए तो 2x प्लस k को y रख दीजिए 4y माइनस 9 इक्वल टू जीरो, मैंने माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ, तो समझ में आ रहा होगा, सो ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर, इसी ये लोकस है, आई होप कि ये समझ आया होगा, नोट डाउन दिस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू origin has its center on the line x plus y is equal to 4 and cuts the circle x square plus y square minus 4x plus 2y plus 4 equal to 0 orthogonally. Answer correct. हाँ कितना आंसर आया बता, कितना मिला बच्चा बताओ, x square plus y square minus 4x minus 4y equals 4x minus 4y equals यही है, सही है, बिल्कुल सही, यही आंसर है, यही है, हाँ गुड गुड गुड, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छे समझ आ गया कि क्या करना क्या। देखो कोई भी सर्कल, एनी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन कैन बी, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस 2fy इक्वल टू जीरो, सी पार्ट नहीं रहेगा, सी जीरो हो जाएगा इसमें, कोई सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका सी जीरो होगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो इसका सेंटर कितना है, सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि
सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू फोर, दिस इंप्लाई जी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस फोर, या जी प्लस एफ प्लस फोर इक्वल टू जीरो, कॉल दिस बी वन कंडीशन, जी प्लस एफ प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये वन कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरा है कि ये गिवन सर्कल इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो जी वन जी टू, तो दिस इज जी और ये कितना हो जाएगा माइनस टू जी वन जी टू प्लस एफ वन, एफ हो गया, एफ टू इज वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, तो जीरो प्लस फोर बाई टू ऐसा हो गया। अभी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा माइनस फोर जी प्लस टू एफ इज इक्वल टू फोर, इसकी जरूरत भी नहीं थी, माइनस टू जी प्लस एफ इज इक्वल टू टू मिलेगा। देखो ध्यान से, या यूं कहें कि 2g माइनस एफ प्लस टू इक्वल टू जीरो, कॉल दिस बी सेकंड, 2g माइनस एफ प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। अब यहां पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो g और f का वैल्यू आ जाएगा, सो g प्लस एफ प्लस फोर इक्वल टू जीरो, 2g माइनस एफ प्लस टू इक्वल टू जीरो ऐसा। तो अभी इन दोनों को 3g प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो g इज इक्वल टू माइनस टू आ गया। अच्छा, g माइनस टू आ गया तो f कितना होगा, देखो g माइनस टू पुट कर देते हैं तो f भी माइनस टू आएगा, g माइनस टू एफ माइनस टू, तो रिक्वायर्ड सर्कल इसमें आप g की जगह माइनस टू और f की जगह माइनस टू पुट कर दीजिए, सो ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। सो रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट।